हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये लेक्चर, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर के देखें, साथ ही एक खूबसूरत सा नोट्स बनाएं। हम लोगों का प्रीवियस वीडियो था रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का, और उसमें हम लोग देखे थे कि कंडक्टिविटी को के से इंडिकेट करते हैं और के इक्वल फार्मूला हम लोग देखे थे कि 1/R (L/A) होता है, और में लिख सकते हैं के इक्वल 1/R (L/A) को सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं, जिसको जी स्टार से इंडिकेट करते हैं, और करके एक और फॉर्मूला यहां से लिख सकते हैं 1/R को भी हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस वीडियो का फॉर्मूला था। आज हम एक और फॉर्मूला देखेंगे जिसके बेस पर आज का जो भी टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इक्वल के कप्पा यानी कि वन कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, के को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। जिस तरह से 1 ml कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, सिमिलरली कंडक्टेंस ऑफ 1 mole इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, इसको कैप एम से इंडिकेट करते हैं, यानी कि मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे इसी के बेस पर है। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, और कंडक्टेंस ऑफ 1 mole इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। सिमिलरली एक और टॉपिक आज पढ़ेंगे इसी के बेस पर, कंडक्टेंस ऑफ 1 equivalent इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको कैप EQ से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम देखते हैं कि मोलर कंडक्टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो हेडिंग बनाते हैं मोलर कंडक्टेंस, इसको हम लोग कैप एम से इंडिकेट करते हैं। इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं मोलर चालकत्व। बस इसका डिफिनेशन यहीं से हो जाएगा कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 mole इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है, द कंडक्टेंस ऑफ 1 mole इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस।
इसको हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं डिफिनेशन को? तो वन मोल विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। वन मोल विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। अब देखिए इस डिफिनेशन से एक फॉर्मूला यहां लिख सकते हैं, कह रहा है कि कंडक्टेंस ऑफ वन मोल को क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। यहां हम लिख दे रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ वन मोल, कंडक्टेंस ऑफ वन मोल को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस ऑफ वन मोल को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग कैप एम से इंडिकेट करते हैं। इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दिया यहां पर। देखिए हम लोग को पता है कि वन मोल जो कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टेंस होगा। अगर हम इस मोल को एमएल में कन्वर्ट कर दें, यानी कि वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें, तो हम इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर वन मोल को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें, एमएल में कन्वर्ट कर दें, तो हम इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो सिंस वन एमएल कंडक्टेंस इक्वल के, देयरफॉर इतना एमएल कंडक्टेंस इक्वल जो भी आएगा वो हमारा मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा, क्योंकि वन मोल कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो अगर हम इस वन मोल को एमएल में कन्वर्ट कर दें तो हम इससे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि वन एमएल कंडक्टेंस इक्वल के, देयरफॉर इतना एमएल कंडक्टेंस इक्वल जो भी आएगा वो हमारा मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। तो इसको कैसे हम एमएल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे मोलारिटी का। देखिए मोलारिटी का फार्मूला होता है एम इक्वल मोल अपॉन वॉल्यूम। यहां से अगर हम भी फाइंड करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और हो जाएगा भी इक्वल, ये यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा मोल अपॉन एम लीटर में। बट हमको वन मोल का भी फाइंड करना है, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो यहां लिखेंगे भी ऑफ वन मोल इक्वल, तो यहां हमारा वन हो जाएगा क्योंकि हम मोल वन लिए हुए हैं, तो वन अपॉन एम लीटर पर मोल हो जाएगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है पर मोल का है। हमने वन मोल का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं यहां पर, इसलिए मोल को वन हमने पुट किया यहां मोल के प्लेस पर, तो हो गया वन अपॉन एम लीटर, और ये जो वॉल्यूम है पर मोल है इसलिए हमने कर दिया यहां पर लीटर पर मोल। अगर हम लीटर को एमएल में कन्वर्ट करें तो हमको पता है कि कोई भी लीटर में वैल्यू हो तो एमएल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जब 1000 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा अपॉन एम हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे हम 1000 अपॉन एम, अब ये लीटर ना होकर के मिली लीटर पर मोल हो जाएगा। अब जो है पहले से ये फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं,
सिंस कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इक्वल के, देयरफोर कंडक्टेंस ऑफ इतना ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1000 अपॉन ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये के में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से देखिए, कंडक्टेंस ये तो हम लोगों को पहले से फॉर्मूला लिख चुके हैं कि सेंस कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इक्वल के, देयरफॉर इतना ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा, k into इतना, तो k into 1000 अपॉन m। अब जो है यहां हम ये देखते हैं कि इतना ml का कंडक्टेंस इसको कहें या फिर इसके जगह पर हम 1 mole का कंडक्टेंस इसको कहें, बात सेम है। क्यों? क्योंकि हमने 1 mole को ही 1000 अपॉन ml में कन्वर्ट हमने किया है, 1 mole के ही वॉल्यूम को। तो अगर हमारा इतना वॉल्यूम का कंडक्टेंस ये है तो फिर हमारा 1 mole का भी कंडक्टेंस जो है हमारा यही होगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये 1 mole का ही वॉल्यूम है। तो इसका कंडक्टेंस जब ये हुआ तो फिर इसके जगह पर 1 mole का भी कंडक्टेंस यही होगा। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ इसके प्लेस पर 1 mole इक्वल यही हो जाएगा k into 1000 अपॉन m, इसको हमने कर दिया इक्वेशन 2। अब देखिए, जो इक्वेशन आपका फर्स्ट है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कंडक्टेंस ऑफ 1 mole है, जो इक्वेशन आपका सेकंड है इसमें भी कंडक्टेंस ऑफ 1 mole है। तो जब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आप राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं, देखिए यहां से इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 mole, और इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कंडक्टेंस ऑफ 1 mole। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस इक्वल k into 1000 अपॉन m हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर दे रहे हैं, यानी कि कैप m इक्वल k into 1000 अपॉन m। ये हमारा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं, जब फॉर्मूला मिल गया तो यूनिट बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं हेडिंग यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यानी कि कैप एम ही लिख दे रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट फाइंड करना है, इसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो फॉर्मूला है
टैप एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन एम। इसमें जो कंडक्टेंस होता है इसका यूनिट होता है कंडक्टेंस का साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और 1000 अपॉन एम क्या है, तो 1000 अपॉन एम वॉल्यूम है, वन मोल का वॉल्यूम ही तो ये फाइंड किए थे एमएल में। तो ये जो है हमारा एमएल पर मोल है, ये ध्यान दीजिए कि हम लोग का 1000 अपॉन एम क्या आया था, तो वी ऑफ वन मोल आया था एमएल पर मोल। तो ये जो है इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो होगा ये वन मोल का वॉल्यूम है, इसलिए इसका यूनिट होगा एमएल पर मोल। अब जो है एमएल को हम सीएम क्यू भी लिख सकते हैं और ये हो गया मोल। एमएल को अगर सीएम में कन्वर्ट करना हो तो एमएल को हम लोग सीएम क्यू लिख सकते हैं। यहां जो है सीएम इनवर्स है और यहां सीएम क्यू है, तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इनवर्स है, क्यू है और ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। जिस तरह से हम लोग मोलर कंडक्टेंस का स्टडी किए उसी तरह से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी स्टडी कर सकते हैं। तो अगला हम हेडिंग देते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग कैप ई क्यू से इंडिकेट करते हैं और इसका हिंदी होता है समतुल्य चालकत्व। इसका भी डिफिनेशन स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे कि जिस तरह से मोलर कंडक्टेंस का होता है उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होता है। मोलर कंडक्टेंस में होता है कि वन मोल कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में होता है कि वन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहां डिफिनेशन होगा द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, तो वन इक्विवेलेंट विद्युत अपघटनी विलयन के चालकत्व को हम लोग समतुल्य चालकत्व कहते हैं। यहां लिख दे रहे हैं वन इक्विवेलेंट विद्युत अपघटनी बिलियन के
चालक तत्व को समतुल्य चालक तत्व कहते हैं। अब यहां से हम एक फॉर्मूला ले सकते हैं डिफिनेशन से कि कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट इक्वल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि कैप ई क्यू से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जो है जिस तरह से मोलर कंडक्टेंस में हम लोग मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट किए थे उसी तरह से हम यहां इक्विवेलेंट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्विवेलेंट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लेना होगा नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी को एन से इंडिकेट करते हैं और एन का फॉर्मूला होता है मोल इक्विवेलेंट पर मोल, इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम। यानी कि फिर से ध्यान दीजिए हम लोगों को इक्विवेलेंट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लेंगे और नॉर्मलिटी को एन से इंडिकेट करते हैं और एन इक्वल फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम। अगर यहां से भी फाइंड करेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहां पर, ये भी यहां चला गया यहां चला गया। लेकिन हम लोगों को वन इक्विवेलेंट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो यहां लिखेंगे भी ऑफ वन इक्विवेलेंट। तो जब हम वन इक्विवेलेंट को वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो फिर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा और ये भी लीटर में है। लेकिन ये हम लोग वन इक्विवेलेंट का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं इसलिए ये लीटर पर मोल हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट। हम लोग जो है वन इक्विवेलेंट को वॉल्यूम यहां फाइंड किए हुए हैं इसलिए ये हो जाएगा लीटर पर इक्विवेलेंट। अगर हम लीटर को ml में कन्वर्ट करें तो यहां हमको 1000 से मल्टीप्लाई 1 में करना होगा तो यहां 1000 हो जाएगा अपॉन n। अब ये हो जाएगा ml पर इक्विवेलेंट। अब हम लोग एक पहले से ही फॉर्मूला जानते हैं since conductance of 1 ml electrolytic solution equal k therefore इतना ml electrolytic solution conductance कितना हो जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन एन एम एल इक्वल ये के में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ml का कंडक्टेंस के देयरफॉर इतना ml का कंडक्टेंस कितना होगा के इंटू 1000 अपॉन एन हो जाएगा। अब जो है हम क्या देखते हैं कि ये जो है किसका वॉल्यूम है तो वन इक्विवेलेंट का है।
तो अगर हम इसकी कंडक्टेंस कहें या फिर वन इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस कहें, बात तो सेम है, क्योंकि हम लोग वन इक्विवेलेंट को ही तो इसमें कन्वर्ट किए हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि 1000 अपॉन एन एम एल का कंडक्टेंस जब ये हुआ, तो फिर इसके जगह पर ये वन इक्विवेलेंट का भी कंडक्टेंस हुआ, क्योंकि हमारा वन इक्विवेलेंट का ही तो ये वैल्यू है एम एल में। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर कंडक्टेंस ऑफ इसके प्लेस पर वन इक्विवेलेंट कर देंगे इक्वल के इंटू 1000 अपॉन एन इक्वेशन टू। अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट, और जो इक्वेशन सेकेंड है इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट। तो जब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन N। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जब फॉर्मूला मिल गया तो हम इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि कैप ई क्यू, सबसे पहले फॉर्मूला डाल दे रहे हैं यहां पर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल के इंटू 1000 अपॉन एन। के का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और ये क्या है, वन इक्विवेलेंट का वॉल्यूम है, तो ये इसका यूनिट होगा एमएल पर इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग वन इक्विवेलेंट का ही वॉल्यूम फाइंड किए थे तो ये इतना एमएल आया हुआ था। तो ये जो है वॉल्यूम है, तो इसका जो हो जाएगा किसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट है ये, तो ये हो जाएगा एमएल पर इक्विवेलेंट। तो यहां हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और एमएल जो होता है सेंटीमीटर क्यू की इक्वल होता है, तो यहां हो जाएगा सीएम क्यू अपॉन इक्विवेलेंट, और यहां सीएम इनवर्स है सीएम क्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए।